और सब गाइस, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। तो गाइस, पिछली बार जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था महासी की वीडियो पे, काफी लोगों ने कमेंट किया था और काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि वहाँ का कैसा जो है माहौल है, कैसे कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज है। तो वो वीडियो काफी ज्यादा हमारी चल रही है और लोग उसको देख ही रहे, तो सोचा कि कॉलेज रिव्यू ही देना क्यों ना स्टार्ट किया जाए। और उसी प्रकार से मैं जो है एक और कॉलेज लेके आ चुका हूँ। इंजीनियरिंग का कॉलेज है, काफी ज्यादा फेमस है लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे लखनऊ में तीन ही चार फेमस है, तो उसी में से एक कॉलेज उठा लिया है मैंने, यूनिवर्सिटी है SRMU। तो बस इतना ही कहते जो है बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। तो गाइस, आज हम जानेंगे उसके बारे में कि वहां पे उसका कैसा माहौल है, कैसी फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर जानेंगे, फीस जानेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे और गाइस वहां पे प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि वहां पे ROI कैसा है, क्योंकि ROI हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मेन है, क्योंकि हम भाई इतना रुपए लगाएंगे तो वहां पे प्लेसमेंट कैसे मिल रही है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो पीछे हमारा कंप्यूटर खुला हुआ है, तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे हम लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कितना मेंशन करके रखा हुआ है, क्या क्या चीजें बताई हैं, तो वहां पे सब चीजें हम आपको बताते हैं। तो गाइस, देख सकते हो एक बार हम फिर जो है अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हमने जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके रखी हुई है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी जानी पहचानी है इंजीनियरिंग के लिए लखनऊ में और काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पे जाते हैं पढ़ाई करने। इसी का एक कॉलेज भी है, कॉलेज में भी बच्चे जो है जाते हैं। तो आज हम जो है इसी के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में। इनकी वेबसाइट पे चलेंगे, वेबसाइट को पूरा देखेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या जो है कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे बता के रखा हुआ है। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं srmu.ac.in पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो है इसका UI है, यहाँ पे बताया हुआ है why SRMU। आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं और स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया हुआ है, साथ ही साथ जो है ये स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं विद TCS IN के साथ। तो आप थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो भाई, सबसे पहले तो ये आया साक्षात प्रताप सिंह, जो डिप्लोमा मैकेनिकल से हैं। उन्होंने जो है पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन को हासिल किया था और जो दो टीम थी इनकी सिलेक्ट हुई है स्मार्ट इंडियन हैकाथन में, ये रामस्वरूप की ही जो है दो टीमें हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है काफ़ी कंपनियाँ जो आई थी बच्चों को सिलेक्ट करके लेके गई हैं, जैसे कि 13 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सैप में 9 लाख के पैकेज से। आफरी जावेद करके कोई एक छात्र हैं, वो भी सेलेक्ट हुए हैं लोएस्ट इंडिया में 18.5 लाख। ये एक ही लड़का है इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं 14 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए हैं अनथिंकेबल सॉल्यूशंस में, तो उनका पैकेज है 6 लाख का। और 6 स्टूडेंट जो है हमारे प्लेस हुए हैं MES टेक्नोलॉजी में नोएडा में, जो है 4 लाख पर NM के हिसाब से। अब इनके कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं वो भी देखते हैं। पॉपुलर कोर्सेज में इनके इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, पॉलिटेक्निक एजुकेशन, नेचुरल साइंसेज, कॉमर्स एक्सेट्रा, इनके काफ़ी अच्छे अच्छे जो है कोर्सेज हैं। और देखते हैं इनके प्लेसमेंट की तरफ जो है, इन्होंने प्लेसमेंट सेगमेंट में भाई क्या क्या लिख के रखा हुआ है। प्लेसमेंट सेगमेंट में इनका हाईएस्ट पैकेज गया है 14 LPA, यानी कि 14 लाख पर NM हाईएस्ट LPA। ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि भाई हमने इतना पैसा लगाया होता है और यही तो जानना था कि प्लेसमेंट हमें वहाँ से कैसे मिल रही है। तो 14 LPA जो इनका ये हाईएस्ट पैकेज है, 1500 जो है ऑफर इस बार दिए गए थे, 250 से ज़्यादा कंपनियों ने इनको ऑफर किया गया था और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है 7 लाख प्लस पैकेज का जो है वो कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं। और जो इनकी डे वन की रिक्रूटर कंपनी थी वो कॉग्निजेंट की है, बाकी आप देख सकते हो लिखा हुआ है। और SRMU एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा है, क्लब्स है जिंग, जील, जेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे टेडेक्स होता है SRMU। अच्छा, एक टेडेक्स की जो है अभी रील भी आई थी, अगर वो मुझे मिल गई तो वो मैं लगा दूंगा। उसमें जो है टेडेक्स में यहाँ पे आमंद अत्रवाल आए थे, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, कॉन्फ्रेंसेस भी है, रिसर्च कंसल्टेंसी भी काफ़ी यहाँ पे है। एक रिसर्च कंसल्टेंसी से याद आया कि मैंने जो है एक PDF बना लिया था कि आप लोगों को बताने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये भाई गेट दिया हुआ है, ये गेट तो अच्छा लगता ही है जब आप पहली बार जाएंगे। साथ ही साथ इनका ये सेमिनार हॉल है और यहाँ पे ये लाइब्रेरी है। अब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत कॉलेजेस में जो है मीडिया रूम और मूड कोर्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो है मीडिया रूम और मूड कोर्ट भी है। मीडिया रूम में अगर आपको किसी भी चीज का, जैसे हम YouTube वीडियो बनाते हैं तो किसी भी चीज का आपको इंटरेस्ट है, या जो कम्युनिकेशन की जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए मीडिया रूम दिया हुआ है। और जो लॉ की तैयारी कर रहे होते हैं वो जज और क्या कहते हैं वकील की जो है यहाँ पे एक छोटा से मूड कोर्ट के हिसाब से बहस कर सकते हैं।
से बहस नहीं होता, ये अपने में प्रोफेशनलाइजेशन होती है, उस टाइप की आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं फैसिलिटीज़ की तरफ से कि आपको यहाँ पे क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। तो सबसे पहले बात करें कि रामस्वरूप में जो है स्पोर्ट्स के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। आप स्पोर्ट्स अगर आपको पसंद है तो ये कॉलेज में जाना ही चाहिए लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिमनेजियम, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी और टेबल टेनिस जो है यहाँ पे ये सारे गेम जो है खेले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट करता है कॉलेज। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे मेल फीमेल और जितनी भी जो है हमें सारे ज़रूरत की चीज़ें जो है यहाँ पे हमें मिल जाती है हेल्थ केयर में। और हॉस्टल की बात करते हैं, दो हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है गार्गी गर्ल्स हॉस्टल, टाइगर बॉयज़ हॉस्टल है। और दोनों ही हॉस्टल में जो है गाइज 6 फ्लोर हैं, 12 विंग्स हैं, 216 रूम है। गर्ल्स हॉस्टल के जो वार्डन है उनका नाम अलका सिंह है, और बॉयज़ हॉस्टल के जो वार्डन है उनका नाम कृष्णा श्रीवास्तव है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो लखनऊ में रहते हैं गाइज, तो उनके लिए जो है पूरे लखनऊ भर में जो है बस जो है जाती हैं। और अगर मैं बताऊँ, मेरा फ्रेंड एक पढ़ता है तो वो सुबह 7 बजे जाता है बस से, और 5 बजे उसको बस जो है घर छोड़ती है। अब बात करते हैं कुछ इनके रिक्रूटर्स के बारे में। भाई कंपनी देखेंगे तो है कि भाई कैसे कैसे इनके कंपनी है और कौन कौन सी यहाँ पे विजिट करती हैं। तो गाइज इतनी सारी जो है कंपनीज जो है विजिट करती हैं, साथ ही मैंने जो है इनकी एक PDF भी खोल के रखी हुई थी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी कि इनके में कितनी कंपनी आई थी। तो गाइज इस बार जो है 2022 में 243 कंपनी आई थी इनके कॉलेज में, इनकी यूनिवर्सिटी में, और बच्चों को उन्हें 1500 से ज़्यादा ऑफर जो है दिया था। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, कि काफ़ी बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप से भाई पढ़ाई करते हैं, तो जो इंटर करके आ रहे होते हैं भाई, उनकी अगर 95% से ज़्यादा परसेंटेज आती है या 95% आती है, तो यार उसकी जो है पूरे 1 साल की फीस जो है माफ़ कर दी जाती है। ट्यूशन फी अगर 90 से 95% के बीच में अगर आपके आते हैं तो 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे लेटरल एंट्री वाले, जैसे कि मेरी तरह जो डिप्लोमा करके आ रहे थे, तो डिप्लोमा में अगर उनके जो है 85% से ज़्यादा हुए तो उनके 1 साल की ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है, और अगर 80 से 85 में हुई तो 1 साल की सेमेस्टर फीस माफ़ कर दी जाती है, यानी कि यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाते हैं। अब बात करते हैं भाई इनके कुछ फेस्ट के बारे में। अनुभूति इनका जो है फेस्ट है काफ़ी अच्छा एनुअल फेस्ट है, यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एंथुसिया भी है इनका, जो कि काफ़ी मैं अभी बता ही रहा था आपको, स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पे। तो ज़्यादा वेबसाइट पे इन्होंने तो अपने नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं उन्हीं से मैंने जान के बताया कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा होता है। आप गूगल पे दिखा देते हैं, आपको गूगल पे इतने सारे फोटोज़ पड़ी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है माहौल रहता है, और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है फेस्ट, और कितनी अच्छे तरीके से जो है लाइटिंग वाइटिंग रहती है। और कि जो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स के आए दिन कुछ ना कुछ जो है हुआ ही करता रहता है, और काफ़ी बड़ा कैंपस है। कैंपस की बात करें तो 100 एकड़ के करीब इनका कैंपस दिया हुआ है गाइस, आप लोगों के लिए एकदम मज़ा आ जाएगा। लेकिन गाइस सही बताए, कैंपस जितना ही बड़ा होता है उतना ही चलने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक इस कोने एक क्लास लगती है तो एक उस कोने क्लास लगती है। तो अब बात करते हैं फीस के बारे में गाइस। तो ये सारे जो है कुछ कोर्सेज हैं जिससे स्पेशलाइजेशन भी हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग जो है बीटेक का देखते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस में गाइस 4 साल का, 1 साल की फीस इनकी 1,42,000 है, और अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो 1.5 लाख के जो है करीब फीस पड़ेगी। बट अगर आप लोग के मेरिट में नंबर अच्छे आए होंगे तो आप लोग जो है कुछ फीस में कंसेशन भी कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इनका एकेडमिक्स कैसा है। तो एकेडमिक में जो है इनको 8.2 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 में, इंफ्रास्ट्रक्चर 7.8 है, अकोमोडेशन में जो है 7.7 है, और प्लेसमेंट की बात करें तो 8 रेटिंग है। सोशल लाइफ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पे बहुत ही जो आपके दोस्त बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, फैकल्टी भी जो है यहाँ पे जो है सपोर्टिव है, आपको जो है टीचर्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो भाई ये देख सकते हैं आपके सामने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप JEE के एग्ज़ाम अगर देते हैं तो बढ़िया ही है, आपका IIT में भी सिलेक्शन हो सकता है। बट अगर आपको वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो आप जो है 45% जो है PCM से करे होने चाहिए इंटर, और आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो फीस देख सकते हो गाइस कितनी जो है आपकी पूरी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखते हैं बीटेक की जो फीस है 7.1 लाख रुपीज़ जो है 3 से 5 साल तक की फीस पड़ती है। इसमें गाइस इंटीग्रेटेड कोर्स, स्पेशलाइजेशन, सारे कोर्सेज जो है वो ऐड हैं। तो गाइस अब बात करते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या भैया है। तो भाई आपको यहाँ पे एक कैंटीन भी मिल जाएगी, हॉस्टल भी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी भी है, लैब्स भी काफ़ी अच्छी, मूट कोर्ट भी है, लाइब्रेरी भी है, जिम भी है, हॉस्पिटल भी है, और वाईफाई कैंपस है, तो आपको आपका जो नेट रिचार्ज है वो आप 1 GB का भी कराओगे तो चल जाएगा। ऑडिटोरियम भी है, AC क्लासरूम्स है, बाकी भी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज दी गई हैं। देख लिया हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि वहां का कॉलेज भाई कैसा था, कैसे उनकी वेबसाइट थी, UI तो वाकई में जो है अच्छा था। उन्होंने हर चीज जो है समझाने की कोशिश करी हुई, लेकिन बहुत सी चीजें जो है उन्होंने नहीं समझाई थी। तो अब हम बताते हैं आपको अपनी तरफ से कि भाई देखो वहां पे स्ट्रिक्टनेस है, आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। हर मंडे जो है वहां पे टेस्ट होता है, सैटरडे को भी टेस्ट होता है, आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम दिया रहता है। आप लाइक BBD की तरह जो है आप आराम से बंक नहीं कर सकते हो। आप अटेंडेंस जो है वहां पे आपकी कंपलसरी है, 75% होना अटेंडेंस, और काफी जो है टीचर्स वहां पे जो है असाइनमेंट्स देते हैं, तो वो सब आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना रहेगा। इस सब के लिए जो है यूनिवर्सिटी जो है काफी बढ़िया है आपके लिए, अगर पढ़ने के लिए जो आप देख रहे हैं तो काफी बढ़िया है। वहां पे एकेडमिक्स भी बढ़िया है, और फेस्टिवल जो है तुम्हारे फेस्ट जो है BBD के कंपेयर में कम होते हैं। बता लेना यार गाइज, मैं BBD का भी बना दूंगा, और BBD और SRM का जो है कंपेयर भी कर दूंगा। और SRMU है ये गाइज, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज के लिए चाहिए तो वहां पे भी जो है हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और कमेंट में करके बता सकते हो। तो गाइज मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइज बाय बाय। लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, कमेंट करो कमेंट।